गाइस, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द चैप्टर 1, दैट इज नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, एंड हियर इज पार्ट 2. बिफोर कंटिन्यूइंग द वीडियो, आई रिक्वेस्ट ऑल दैट प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू कैन गेट द नोटिफिकेशन ऑफ लेटेस्ट वीडियोज एंड शेयर इट फॉर अदर्स ऑल्सो. सो जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है, दैट इज नेचर ऑफ मैनेजमेंट. मैनेजमेंट का नेचर कैसा है? सो हम यहाँ पे तीन ब्रॉडर कंसेप्ट्स में इसे डिस्कस कर रहे हैं. मैनेजमेंट एज अ साइंस, मैनेजमेंट एज एन आर्ट, एंड मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन. फर्स्ट ऑफ ऑल, मैनेजमेंट एज अ साइंस, हम क्या करेंगे, साइंस की कुछ फीचर्स को पिकअप करेंगे और उसको कंपेयर करेंगे मैनेजमेंट के साथ और देखेंगे कि क्या साइंस की ये फीचर्स मैनेजमेंट के साथ मैच आउट हो रही हैं. सो सबसे पहली फीचर जो है, दैट इज सिस्टमैटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज. बिकॉज अगर हम साइंस में देखें, अगर साइंस का कोई भी रूल है, कुछ कोई भी प्रिंसिपल है, तो वो बहुत सारी रिसर्चेस के बाद ही डेवलप किया गया होगा, तभी हम साइंस को कहते हैं कि ये सिस्टमैटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज है. ये जो फीचर है साइंस की, आपकी मैनेजमेंट में भी मिलेगी. क्यों? क्योंकि आप देखते हो मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स हैं वो भी बहुत सारी रिसर्च करने के बाद ही डेवलप किए गए. नेक्स्ट चैप्टर में हम यही पढ़ने वाले हैं, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के बारे में, जिसे फायोल और टायलर ने प्रिंसिपल्स दिए हुए हैं, साइंटिफिक टेक्निक्स दी हुई हैं. तो वो जो साइंटिफिक टेक्निक्स और प्रिंसिपल्स फायोल और टायलर ने बनाए, वो बहुत सारी रिसर्चेस के बाद ही बनाए. सो ये जो फीचर है साइंस की, दैट सिस्टमैटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज, ये जो है हमारी मैनेजमेंट में भी प्रेजेंट है. देन है प्रिंसिपल्स बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटेशन. साइंस में अगर कोई भी प्रिंसिपल बना दिया गया, तो वो एक्सपेरिमेंट्स के बाद ही बनाया गया. लाइक टेंथ में हमने रिएक्शंस पढ़ी हैं, जब हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को ऐड करते हैं तो हमें H2O मिलता है, यानी कि वाटर मिलता है. तो वो प्रिंसिपल कैसे बना? वो प्रिंसिपल ऐसे बना कि उन्होंने बहुत सारी रिसर्चेस की, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए, उसके बाद जाके वो प्रिंसिपल बना. सो ये जो मैनेजमेंट की फीचर्स हैं, ये जो आपकी फीचर है साइंस की, प्रिंसिपल बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटेशन, सो ये आपकी टोटली वे में मैनेजमेंट में अप्लाई नहीं होती. क्यों? क्योंकि मैनेजमेंट को क्या करना पड़ता है, जो भी मैनेजर्स होते हैं हमारे, उन्हें ह्यूमन के बिहेवियर के साथ डील करना होता है. और ऐसा तो नहीं है सबका नेचर सेम होगा. एवरी वन हैज़ हिज डिफरेंट वे ऑफ डूइंग वर्क, एवरी वन हैव हिज डिफरेंट काइंड ऑफ वे ऑफ टॉकिंग. सो मैनेजर को हर एक के साथ डील करना पड़ता है. तो वहाँ पे जो ये आपकी फीचर है, दैट इज प्रिंसिपल बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटेशन, ये आपकी प्रेजेंट नहीं है. देन हमारी नेक्स्ट फीचर है साइंस की, यूनिवर्सल वैलिडिटी ऑफ प्रिंसिपल्स. यही बात है जैसे मैंने आपको भी बताया कि जब हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को ऐड करते हैं, हमें वाटर मिलता है. चाहे इंडिया वाले ये काम करें, चाहे ऑस्ट्रेलिया वाले ये काम करें, चाहे कैनेडा वाले करें, सो ये जो रिजल्ट है वो सेम आने वाला है. मतलब यूनिवर्सल मतलब ऑल ओवर द वर्ल्ड ये प्रिंसिपल्स अप्लाई हैं. और ये जो फीचर है आपकी, ये मैनेजमेंट में प्रेजेंट नहीं है. क्यों? क्योंकि जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स हमें फायोल ने दिए, टायलर ने दिए, जितने भी बड़े बड़े बिजनेसमैन ने हमें प्रिंसिपल्स दिए हैं, हमें उन प्रिंसिपल्स को सिचुएशन के अकॉर्डिंग लगाना होता है. और सिचुएशन हर जगह वैरी करती है. देयरफॉर जो यूनिवर्सल वैलिडिटी ऑफ प्रिंसिपल्स हैं, ये जो फीचर है हमारी मैनेजमेंट में प्रेजेंट नहीं है. देन है कॉज एंड अफेक्ट रिलेशनशिप. मतलब हर एक चीज का दूसरे के साथ रिलेशन है. फॉर एग्जाम्पल, जब हम वाटर को हीट अप करते हैं 100 डिग्री सेल्सियस पे, बॉइल होता है, बॉइल होने के बाद वो वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता है. सो ये जो फीचर है हमारी साइंस की, ये फुल्ली एप्लीकेबल नहीं है मैनेजमेंट में. ऑल्थो कहीं पर हो सकती है. फॉर एग्जाम्पल, मोटिवेटेड एम्प्लॉयज जो होते हैं वो एफिशिएंटली वर्क करते हैं, लेकिन ये जो आउटकम होता है ये हर सिचुएशन में जो है वेरी करता है. ये तो हमने पढ़ी मैनेजमेंट एज अ साइंस. अब हम पढ़ेंगे मैनेजमेंट एज एन आर्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल, एक्सिस्टेंस ऑफ थियोरेटिकल नॉलेज. जो एक आर्टिस्ट होता है उसे थियोरेटिकल नॉलेज होती है, आफ्टर दैट ही वो प्रैक्टिस पे जाता है. सो आर्ट के अंदर कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स होते हैं, कुछ बेसिक थ्योरीज होती हैं जो एक आर्टिस्ट को पता होती हैं. ये जो फीचर आपकी मैनेजमेंट में भी प्रेजेंट है, क्योंकि एक जो मैनेजर होता है वो सीधा ही प्रैक्टिस में नहीं आ जाता. उसके पास कोई डिग्री होती है, लाइक MBA जिन्होंने करी होती है उनको जनरली हम प्रेफर करते हैं मैनेजर पोस्ट के लिए. सो उनके पास थियोरेटिकल नॉलेज होती है, उसके बाद ही वो प्रैक्टिकली उस नॉलेज को अप्लाई करते हैं. देन है पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन. बेसिक नॉलेज ऑफ आर्ट वेरीज फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर. आर्ट की नॉलेज एक पर्सन से दूसरे पर्सन में वेरी करेगी. फॉर एग्जाम्पल, हम क्लास में देखते हैं जब हमें कोई टीचर समझा रही होती है, टीचर सबको एक ही साथ समझा रही है, सेम समझा रही है, लेकिन सबका उस नॉलेज को अटेन करने का वे अलग होता है. सेम बात यहाँ पे है. एक जो आर्टिस्ट है वो अपनी स्किल्स को डिफरेंट वे में यूज करता है. ये फीचर आपकी मैनेजमेंट में प्रेजेंट है. क्यों? क्योंकि एक मैनेजर का भी अपना वे होता है, जो भी उसकी नॉलेज है उसको प्रैक्टिकली अप्लाई करने का.
देन है बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। अब एक आर्टिस्ट बैठे बैठे थ्योरी लर्न करके आर्टिस्ट नहीं बन जाता, उसके अंदर कुछ क्रिएटिविटी होती है, अपना टैलेंट होता है और आफ्टर सो मैनी प्रैक्टिस के बाद ही वो आर्टिस्ट बनता है। सो हमने यही बात बोली कि जो एक आर्टिस्ट होता है वो आर्टिस्ट कब बनता है, अपनी क्रिएटिविटी और प्रैक्टिस के बेसिस पे। तो ये फीचर आपकी मैनेजमेंट में भी प्रेजेंट है, क्योंकि मैनेजर सबसे पहले अपनी थ्योरेटिकल नॉलेज को प्रैक्टिकली अप्लाई करेगा, आफ्टर दैट ही वो जो है एक सक्सेसफुल मैनेजर बन पाएगा। देन आपका जो नेक्स्ट पॉइंट है दैट इज मैनेजमेंट एज प्रोफेशन। मैनेजमेंट एज साइंस हमने पढ़ा, मैनेजमेंट एज एन आर्ट हमने पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे मैनेजमेंट एज प्रोफेशन। स्पेशलाइज्ड नॉलेज, स्पेशलाइज्ड नॉलेज का मतलब क्या है? अगर हमें कोई भी प्रोफेशन करना होता है, 11th क्लास में हमने पढ़ा था प्रोफेशन, बिजनेस, ये सब कुछ, तो अगर एक पर्सन को प्रोफेशन करना है तो उसके पास स्पेशलाइज्ड नॉलेज होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर हम डॉक्टर की बात करें, डॉक्टर के पास भी MBBS बहुत सारी डिग्रीज होती हैं, अगर उसके पास वो डिग्री ना हो तो उसे डॉक्टर नहीं बनने दिया जाता। तो यही बात हम कह रहे हैं कि ये जो फीचर है हमारी प्रेजेंट है मैनेजमेंट में भी। क्यों? क्योंकि हम जनरली यही कहते हैं जिन्होंने MBA करी हुई है उनको एज अ मैनेजर की पोस्ट पे हम रिक्रूट करते हैं। देन है सर्विस मोटिव। अब एक डॉक्टर किस लिए एस्टैब्लिश, किस लिए उसने अपनी क्लिनिक को, अपने हॉस्पिटल को एस्टैब्लिश किया? ताकि वो सर्विसेज दे सके, हेल्थ की सर्विसेज दे सके। ऐसे ही जो एक मैनेजमेंट है वो भी किस लिए एस्टैब्लिश की गई है? ताकि वो सर्विस दे सके सोसाइटी को और प्रॉफिट भी अर्न कर सके। देन है रिस्ट्रिक्टेड एंट्री। हम क्या कहते हैं कि मैनेजर्स जो होते हैं जनरली मैनेजर्स वही होते हैं जिन्होंने MBA क्लियर की होती है, लेकिन अगर तुम्हारे पास डिग्री है, ग्रेजुएट हो तुम, तो तुम मैनेजर नहीं बन गए। तुम्हारे पास स्पेशलाइज्ड नॉलेज भी होनी चाहिए एंड क्रिएटिविटी भी होनी चाहिए ताकि तुम एक सक्सेसफुल मैनेजर बन सको। देन आपके पास है लेवल या फिर स्पैन ऑफ मैनेजमेंट। कितने तरह की हमारी मैनेजमेंट है? एक ऑर्गेनाइजेशन में जनरली तीन तरह की मैनेजमेंट होती है, टॉप लेवल, मिडल लेवल, लोअर लेवल। टॉप लेवल की मैनेजमेंट में हमारे पास चेयरमैन आएगा, हमारा CEO, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एक्सेट्रा। ज़्यादा डेफिनेशन डीप में लर्न करने की जरूरत नहीं है इसमें, सिर्फ आपको ये पता होना चाहिए कि टॉप लेवल की जो हमारी मैनेजमेंट होती है उसके अंदर कौन कौन से पर्सन इंक्लूड होते हैं, जो कि मैंने आपको यहाँ पे दे दिए हैं। देन फंक्शंस हैं। फंक्शंस मीन्स ये जो टॉप लेवल की मैनेजमेंट है ये क्या क्या फंक्शंस को परफॉर्म करती है। सो सबसे पहला होता है डिटरमाइन करती है ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को, कि अगर हमने कोई ऑर्गेनाइजेशन सेटअप की तो हमने किस लिए सेटअप की, उस ऑब्जेक्टिव को जो है डिटरमाइन करती है, प्लान्स बनाती है, पॉलिसीज बनाती है कि किस तरह से हम अपने ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सकेंगे। पॉलिसीज बनाती है ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, ये सब कुछ जो है कौन डिसाइड करती है, टॉप लेवल की मैनेजमेंट। और जो टॉप लेवल की मैनेजमेंट होती है वो ऑर्गेनाइजेशन के जो पर्सन होते हैं उनके साथ कॉन्टेक्ट में तो होती ही होती है, साथ में वो बाहर के पर्सन के साथ भी कॉन्टेक्ट में होती है। देन हमारे पास आता है मिडल लेवल मैनेजमेंट। मिडल लेवल मैनेजमेंट में हमारे पास हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स होते हैं, प्लांट सुपरिटेंडेंट आपको मिलेंगे यहाँ पे। फंक्शंस की अगर हम बात करें तो फंक्शंस क्या है मिडल लेवल मैनेजमेंट की? सबसे पहला एग्जीक्यूट पॉलिसीज, यानी कि जो भी पॉलिसी टॉप लेवल की मैनेजमेंट ने बनाई उन पॉलिसीज को एग्जीक्यूट करने का काम किसका होता है? मिडल लेवल मैनेजमेंट का। जो भी प्लान्स और पॉलिसीज टॉप लेवल की मैनेजमेंट ने बनाई उनको इंप्लीमेंट कराना मिडल लेवल मैनेजमेंट का काम है। उसके बाद लिंक बिटवीन टॉप एंड लोअर लेवल मैनेजमेंट। तीन तरह की मैनेजमेंट हमने पढ़ी, दैट इज टॉप, मिडल एंड लोअर। सो मिडल लेवल की मैनेजमेंट जो है टॉप लेवल की मैनेजमेंट के साथ भी कॉन्टेक्ट में होती है एंड लोअर लेवल की मैनेजमेंट के साथ भी कॉन्टेक्ट में होती है। देन मिडल लेवल मैनेजमेंट जो है इवेल्युएट करती है और मोटिवेट करती है एम्प्लॉइज को। आफ्टर दैट हमारे पास है लोअर या फिर सुपरवाइजरी या ऑपरेशनल लेवल भी इसे बोलते हैं, जिसके अंदर आपके सुपरवाइजर या फॉरमैन्स आते हैं। फंक्शंस क्या हैं इसके? ये एक प्रॉपर वर्किंग एनवायरनमेंट को मेंटेन करते हैं, वर्कर की ग्रेवियंसिस को सबमिट करते हैं, लाइक वर्कर की कोई फीडबैक या कोई कंप्लेन हो या किसी दो वर्कर्स के बीच में कन्फ्लिक्ट चल रहा हो तो उस चीज़ को सबमिट करते हैं ये मिडल लेवल को, मिडल लेवल टॉप लेवल को करता है। और इसके फंक्शंस क्या हैं? ये रिक्रूट करते हैं, प्रमोट भी करते हैं इम्प्लॉयज़ को, क्योंकि इम्प्लॉयज़ के डायरेक्टली कॉन्टेक्ट में होते हैं। इंश्योर सेफ्टी ऑफ वर्कर्स, उन्हें अच्छी वर्किंग कंडीशन देना, उनकी सेफ्टी की रिस्पॉन्सिबिलिटी।